नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे फार्म पर कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं, जो या तो हमने प्रयोग की हैं या फिर भविष्य में हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप भी एक डेयरी फार्मर हैं, चाहे आप नए पशुपालक हैं या फिर पुराने पशुपालक हैं, तो आप सभी को इन दवाइयों का अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सभी अंग्रेजी दवाइयां हैं। आप ये मत समझिएगा कि मैं अंग्रेजी दवाइयों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। ये केवल वो दवाइयां हैं जो मैंने स्वयं अपने पशुओं के ऊपर प्रयोग की हैं और इनके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे देखने में मिले हैं। कई दवाइयों के रिजल्ट जो है वो थोड़े से कम हैं, कुछ दवाइयों के 100% भी रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं फील्ड में। देसी दवाइयों पर तो हमारा चैनल काम कर ही रहा है, आयुर्वेद के प्रति हम 100% समर्पित हैं। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा देसी नुस्खे, घरेलू नुस्खे बताए जाएं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको अपना जो हमारे डेयरी फार्म पर, ये जो हमारे डेयरी फार्म का शेड है, जो हमारे पशु हैं वो बाहर अभी धूप में रेस्ट कर रहे हैं, उनको हम अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात करवाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको ये दवाइयां दिखाने का एक प्रयास है कि हम इन सभी दवाइयों के बारे में आपको एक छोटी सी नॉलेज प्रदान कर सके। तो आइए साथियों, चलते हैं, वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये एक कोने में सिंगल है और इनको साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे और इनको ये जो बकेट है इसके अंदर रखते जाएंगे। ये जो बकेट है ये हमारा छोटा सा होममेड मेडिकल स्टोर है। ये देखिए साथियों, ये एल्बोमार है। एल्बोमार का प्रयोग, यानी कि एल्बोमार माने एल्बेंडाजोल, ये एल्बेंडाजोल वर्बेक कंपनी की है और ये 30 ml है। 30 ml का प्रयोग 3 महीने तक के काफ के लिए किया जाता है और 90 ml का प्रयोग बड़े पशु के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग डीवॉर्मिंग के लिए किया जाता है साथियों। तो इसको हम बकेट में रख देते हैं। ये जो है छोटी नाल है, यानी कि इसकी मदद से हम छोटे बच्चे जो होते हैं, काफ होते हैं 6 महीने तक के, 1 साल तक के, उनको दवाइयां वगैरह पिला सकते हैं, इसको भी रख देते हैं। ये जो है आप समझ ही गए होंगे, जो हमने बोतल के ऊपर लगाकर पशु को लस्सी बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये जो 6 इंच का ट्यूब का टुकड़ा है जिसकी मदद से बच्चे को लस्सी पिलाई जाती है, ये वो है। अब आते हैं हम थर्मामीटर पे। ये साथियों थर्मामीटर है और ये डिजिटल थर्मामीटर है। इसकी मदद से हम समय समय पर अपने पशुओं के बुखार को, टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। हम समय रहते अपने पशु की बीमारी का पता करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर कई बार डाउन चला जाता है, कई बार टेम्परेचर हाई चला जाता है और किसान को इस बात की खबर तक नहीं होती है। तो साथियों, इस थर्मामीटर की मदद से हम अपने पशु को भी ठीक कर सकते हैं। इसकी कीमत मार्केट में लगभग 70-80 रुपए है और मेरा ये मानना है कि सभी पशुपालकों के पास ये अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पशु को कई बार जान बचाने तक भी साबित हो सकता है। क्योंकि हमारी एक भैंस को 106 बुखार हो गया था, तो 106 बुखार इसी ने हमें बताया था। तो इसको भी जो है हम बकेट के अंदर रख देते हैं। अब साथियों आते हैं हम केटासोल पर। ये केटासोल टीका किटोसिस में प्रयोग किया जाता है, जब पशु को किटोसिस होते हैं। किटोसिस एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है, यानी कि पशु के अंदर जब फैटी लिवर हो जाता है, पशु ग्लूकोज कम कर लेता है, पशु में कैल्शियम की कमी आ जाती है और टेम्परेचर भी पशु का डाउन चला जाता है, जिससे बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है और पशु चारा पीना कम कर देता है। यानी कि आपका जो पशु होगा, यहाँ पर जो पशु होगा वो केवल सूखा चारा खाना पसंद करेगा, उसको फीड से, हरे चारे से भी नफरत हो जाएगी। तो ऐसे में ये केटासोल का प्रयोग किया जाता है, इसी बीमारी को किटोसिस बोला जाता है, इसको हम रख देते हैं। अब साथियों, किटोसिस के हमने इंजेक्शन तो दे दिए, लेकिन हमारे पशु की भूख को दोबारा से प्रोग्रेस में लाने के लिए हम अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करते हैं। वैसे तो साथियों, बुखार के बाद पशु की भूख बढ़ाने के लिए हमने आपको बहुत सारे फार्मूले अपने चैनल पर बताए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वे फार्मूले हमारी आई बटन में जाकर वीडियोज में देख सकते हैं। हमने पशु की भूख बढ़ाने के लिए देसी फार्मूले भी बताए हैं, लेकिन ये सभी वो फार्मूले हैं जिनका प्रयोग मैंने खुद किया है अपने पशु के ऊपर। जब मेरी भैंस को किटोसिस हो गया था, तो ये जो केटासोल इंजेक्शन है 2 दिन लगाया गया था और इसके साथ में जो है
हमने इस एग्रोसेक पाउडर का प्रयोग किया था, जो कि पशु की भूख को बढ़ाने के लिए और साथ में पशु की जुगाली को बढ़ाने के लिए, यानी कि पशु जब बीमार होता है तो जुगाली कम करता है, गर्दन को लंबी करके और सामने जमीन पर रख लेता है, या फिर जब पशु खड़ा होता है तो गर्दन को लटका लेता है। तो ऐसी समस्या में जो है हम एग्रोसेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे पशु का डाइजेशन, पशु की भूख और पशु की इम्यूनिटी दोनों चीजें बढ़ती हैं। तो ये देख सकते हैं साथियों, हमने एग्रोसेक का प्रयोग किया था और साथ में ये जो बोविजाइम देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है पशु की भूख लगाने का रामबाण, तो इसका भी प्रयोग आप पशु की भूख के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर एक पाउच है जिसके अंदर एक पाउडर है जिसको आप गुड़ की मदद से पशु को खिला सकते हैं। तो ये देख सकते हैं साथियों, ये पशु की भूख बढ़ाने के फार्मूले है। इसके अलावा हमारे फार्म पर क्या होना जरूरी है ये देखिए साथियों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिरिंज के अंदर ये पानी है, नहीं साथियों ये पानी नहीं है, ये है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन वो हार्मोन होता है जिसको लगाने से पशु तुरंत दूध की पावस में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पशु पावस में नहीं आता है तो हमें जरूरत पड़ती है पशु को ऑक्सीटॉक्सिन यानी कि टीका लगाने की। अक्सर आपने सुना होगा कि फलाने की भैंस टीका लगाने से दूध देती है, फलाना व्यक्ति टीका लगाकर भैंस को पहुंचाता है। डेयरियों में अक्सर ऐसा माना जाता है कि टीके के बिना भैंस दूध नहीं देती है। तो वो टीका क्या होता है? वो टीका ये टीका होता है जिसके अंदर ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन होता है और इसे लगाने से पशु तुरंत ही पाउस में आ जाता है। तो ये हमें इमरजेंसी के तौर पर जरूर रखना चाहिए अपने पास, जब हम कभी हमारा पशु बीमार हो जाए या परेशानी करे तो हम इसकी मदद से दूध निकाल सकते हैं। तो इसको भी जो है हम इसमें रख देते हैं। इसके अलावा ये एक होम्योपैथिक डिजीज है जिसकी मदद से भी हम पशु को पाउस में ला सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर से नाम जो है मिट गया है साथियों, ये काफी पुरानी हो गई है। और अगली चीज है हमारे पास वाइटमैच। वाइटमैच पशु का दूध बढ़ाने के लिए और पशु को पाउस में लाने के लिए, पशु को मस्टेटाइटिस से बचाने के लिए, और इसके अंदर देख सकते हैं विटामिन एच की ये जो है सोर्स है और इससे पशुओं को काफी ज्यादा फायदा होता है। जब पशु ब्यात पर आते हैं तो उनकी लेवटी को बढ़ाने के लिए और अडर के साइज को ग्रोथ करने के लिए ये देख सकते हैं विटामिन एच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विटामिन एच का सबसे ज्यादा मेन रोल होता है अडर की ग्रोथ करने के लिए। तो विटामिन एच भी हमारे पास फार्म पर होना जरूरी है। इसके अलावा ये देख सकते हैं पायोप्रो, ये पायाप्रो आयुर्वेद कंपनी का फार्मूला है और साथियों इसके अंदर लंबी लंबी गोलियां हैं जिनकी मदद से हम अपने पशु का दूध भी बढ़ा सकते हैं, साथ में पशु की पाउस को बढ़ा सकते हैं। कई बार पशु होता है कि दूध तो होता है लेकिन दूध देना पसंद नहीं करता है, तो ऐसे में हम इन गोलियों की मदद से अपने पशु की दूध की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं और साथ में दूध की पाउस को भी बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि साथियों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पशुओं को दस्त लग जाते हैं, तो दस्त में से जो सबसे पहली दवाई हम प्रयोग कर सकते हैं वो ये कोमन का पत्ता है। ये देख सकते हैं आप, इसका नाम पढ़ सकते हैं, ये 1 रुपए की एक होती है और अगर इसे देने से आपके पशु के दस्त नहीं रुकते हैं तो आप देसी फार्मूला जो प्रयोग कर सकते हैं कि आप बिना दूध डाले हुए पशु को चाय पिलाएंगे, बिना दूध डाले हुए पशु को चाय पिलाएंगे तो भी आपके पशु के दस्त रुक जाएंगे। अगर उसके दस्त नहीं रुक रहे हैं तो आप हाजमोला का प्रयोग सरसों के तेल के अंदर और उसमें पानी मिलाकर भी पशु के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा में सरसों का तेल, उसमें पानी और अगर आप हाजमोला डालेंगे तो जो है आपके पशु के दस्त रुक सकते हैं। यहाँ पर हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। अगर इससे भी दस्त नहीं रुक सकते हैं तो हो सकता है कि बच्चे के पेट में मरोड़ा है, दर्द है, यानी कि पशु का पेट जो है अंदर से खिंचाव महसूस कर रहा है। अगर उसमें के दस्त में खून भी आता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर चोट वगैरह की शिकायत है, जो है लंबे दस्त के कारण ऐसा होता है। तो ऐसी कमजोरी में जब कई बार होता है कि पानी की कमी की वजह से बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है, वो मर जाता है, तो आप उसको पावर जेल भी पिला सकते हैं। ये देख सकते हैं पावर जेल, ये अगर आप पिलाएंगे तो आपका बच्चा का हो सकता है दस्त ठीक हो जाए। अगर इन सभी से भी दस्त ठीक नहीं होते हैं तो हमारे पास जो आखिरी हथियार बच जाता है, जो कि एलोपैथी में माना जाता है कि इससे अच्छी दस्तों की पशुओं की कोई दवाई नहीं होती है, तो आप यहाँ पर सीफ्लोक्सटीजेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों एक साथ हमें ये दवाइयां नहीं लेकर के आनी है, जब भी हमारे पशुओं को जरूरत पड़ती है तो हम इन दवाइयों को लाकर प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप ही आपके घर पर जो है एक छोटा सा मेडिकल स्टोर बन जाएगा।
और इसके बाद आते हैं ये आखिरी इंजेक्शंस, जिनकी आज के दिन पशुओं में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ना ही तो पशु हीट में आते हैं, हीट में आते हैं तो बार बार रिपीट करते हैं, कोई पशु डोका करता है तो कोई पशु डायरेक्ट हीट के लक्षण दिखाता है, कई बार पशु क्या करते हैं कि डोका तो करते हैं लेकिन हीट के लक्षण नहीं दिखाते हैं। तो जब इस तरह की अनकंफर्टेबल हीट आती है, यानी कि पशु कभी तो 15 दिन में हीट में आता है, कभी 2 महीने में भी हीट में नहीं आता, तो ऐसी जो हीट होती है, तो ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है पशु को अच्छे तरीके से हीट में लाने के लिए इन इंजेक्शंस की, जो कि गाइनारिच और विटमेट का एक ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है इंटेस कंपनी का, और इसकी मदद से जो हम अपने पशुओं को हीट में ला सकते हैं और प्रेग्नेंट करवाने में, कंसीव करवाने में जो है ये काफी अच्छा फार्मूला है। कई बार पशु हीट में तो आता है लेकिन कंसीव नहीं करता है, तो पशु को गैबन करवाने से अगर 12 घंटे पहले हम गाइनारिच की जो है 2.5 ml की डोज लगा देते हैं, ये देख सकते हैं 2.5 ml गाइनारिच लगा देते हैं, तो हो सकता है हमारा पशु अच्छे से कंसीव कर जाए। तो इन सब दवाइयों की मदद से दोस्तों हम अपने पशुओं का इलाज अपने घर पर कर सकते हैं और एक छोटा सा मेडिकल स्टोर अपने पास क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो देसी दवाइयों की जरूरत पड़ती है उनके लिए भी हमें समय पर प्रतिबंध रखना चाहिए, तैयारी करके रखनी चाहिए।